दुनिया की सबसे महंगी सब्जी का नाम सुना है? कीमत सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कीमत ना तो सैकड़ों में है और ना ही हजारों में है। एक किलो सब्जी खरीदने के लिए पूरे 1,00,000 रुपए चुकाने होंगे और दावा किया जा रहा है कि ये सब्जी भारत में उगाई जाने लगी है। बिहार राज्य में तो इसका उत्पादन भी शुरू हो चुका है। सवाल है कि क्या सच में बिहार में 1,00,000 रुपए वाली सब्जी उगाई और बेची जा रही है? दुनिया की सबसे महंगी सब्जी जिसकी कीमत सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, क्या इतनी महंगी सब्जी भी हो सकती है? 1 किलो सब्जी खरीदने के लिए तो बैंक से लोन लेना पड़े और सब्जी का नाम तो शायद ही कभी सुना हो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सब्जी हमारे देश में ही उगाई जा रही है। 1 किलो सब्जी की कीमत 1,00,000 रुपए। दुनिया की सबसे महंगी सब्जी हॉप शूट्स बिहार के औरंगाबाद में उगाई जा रही है, ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। सच में अगर 1,00,000 रुपए वाली सब्जी लोगों को पसंद आ गई, तो किसानों के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में बिहार में हॉप शूट्स की खेती की जा रही है? हमने इसकी पड़ताल शुरू की और जैसा कि वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 1,00,000 रुपए वाली सब्जी हॉप शूट्स बिहार के औरंगाबाद में उगाई गई है, हमने उसे वहीं से खोजना शुरू किया। औरंगाबाद पहुंचते ही हमारी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसके बारे में ये बताया गया कि इसने ही बिहार में हॉप शूट्स उगाया है। ये हिमाचल से इसका सारा चीज मैंने लिया और वहीं पे इसकी बहुत बड़ी खेती होती है और इसका खरीदार जो है वो बहुत बड़ा जो है वो अमेरिका है। तो मुझे लगा कि सभी लोग जब कुछ नए तरह की चीज़ों को कर रहे हैं तो क्यों नहीं इस बार काफ़ी नयापन किया जाए, जो पूरे बिहार के पैमाने पर ही नहीं भारतवर्ष के पैमाने पर एक नया चीज हो। हमने उनसे उनका खेत दिखाने की गुजारिश की जिसमें उन्होंने हॉप शूट्स उगाया है। थोड़ी आनाकानी के बाद अमरीश हमें अपने खेत पर ले गए, लेकिन उनके खेत पर जाकर हमें थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि हमें न तो ऐसी कोई सब्जी दिखाई दी और न ही ऐसा कोई खेत मिला जहाँ 1,00,000 रुपए वाली सब्जी की खेती हो रही हो। फिर किस आधार पर इतना बड़ा दावा किया गया? 1.5 महीने से हमारी तबीयत जो है वो खराब चल रही थी और इस बीच मैं दिल्ली चला गया क्योंकि लिवर में हमारा कुछ प्रॉब्लम था और इसमें मैंने अपने पार्टनरों को जो एडवाइस दिया उसको लोगों ने पूरा नहीं किया और जिसके कारण पौधा जो है वो डेड कर गया। जिसके बाद हमने इंटरनेट से हॉप शूट्स के बारे में पड़ताल की कि आखिर ये सब्जी दिखती कैसी है और इसकी खेती की कैसे जाती है। इंटरनेट पर हमें हॉप शूट्स की खेती देखकर हैरानी हुई क्योंकि औरंगाबाद में जिस खेत को हमें अमरीश कुमार ने दिखाया था उसमें लगे पौधे इन पौधों से तो कतई नहीं मेल खाते। दोनों वीडियो जो आप है उसमें अंतर है, जो पत्तियां है उसकी एक्चुअल वो फसल नहीं दिख रही है, उसमें पत्ती इसकी चौड़ी होती है और इसमें उन्होंने अपने गुलाब के पत्ती के समान या उस तरह की पत्ती दिखाई है तो उस क्रॉप में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जो उन्होंने मार्केटिंग करने के लिए जो रखी गई है वह बिल्कुल वही है। हमारी हैरानी तब और बढ़ गई जब हमें पता लगा कि ये सब्जी भारत जैसे देश में उग ही नहीं पाती क्योंकि इसकी खेती तो ठंडे प्रदेशों और यूरोपीय देशों में होती है। हमने दोबारा अमरीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन दूसरी बार हमें अमरीश कुमार मिले ही नहीं। मिले तो अमरीश के घर वाले जिन्होंने ना तो हॉप शूट्स के बारे में कभी सुना है और ना ही कभी इस महंगी सब्जी को देखा है। हॉप शूट्स हमने बस फोटोज में देखा, अपने गांव में नहीं देखा। अपने गांव में हमने नहीं देखा। हॉप शूट्स क्या है ना, इसके संबंध में भी हमको कोई जानकारी नहीं है, इसके संबंध में अमरीश ही बता सकते। आप मतलब आपने कभी देखा भी नहीं है इस पौधे को? हमारा शक बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि जिस सब्जी को खेती का दावा कर अमरीश कुमार मशहूर हो गए उसे उनके घर वालों ने ही नहीं देखा है। एक और बात, अमरीश की जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो हॉप शूट्स की फसल के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं, वो फसल भी कोई और है, हॉप शूट्स नहीं है। हमने कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक डॉक्टर नित्यानंद के साथ फिर से अमरीश के गांव का दौरा किया और सच्चाई जानने की कोशिश की। अपनी जांच के दौरान उन्होंने भी हॉप शूट्स की खेती के दावे को झूठा पाया। औरंगाबाद जिला में किसी भी स्थल पर हॉप शूट की खेती नहीं की जा रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पौधा है
ये ठंडे प्रदेशों का पौधा है जहाँ टेम्परेचर 12-15 के आसपास से नीचे रहता हो। हम लोगों ने स्पॉट पे जाके विजिट किया है, एक भी पौधा ये हमारे औरंगाबाद में करमडीह ग्राम में नहीं लगा हुआ है, मैं इस बात का खंडन कर रहा हूँ। इसके बाद हमने बिहार के कृषि मंत्री से बात की, उन्होंने भी कहा अगर ये फेक फार्मिंग का मामला निकलता है तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, हम लोगों को जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी मैंने पूछा है आज, लेकिन वह भी कुछ बता नहीं पाए इस संबंध में। जो इसके जो विशेषज्ञ हैं कृषि विभाग में, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनको भी जानकारी दे करके, और हम चाहेंगे कि सही जानकारी हासिल करें इस संबंध में। हालांकि हॉप शूट्स के महंगे होने की भी अपनी वजह है, इसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक दवाएं बनाने में किया जाता है। टीबी के इलाज में हॉप शूट से बनी दवा कारगर है। इसके फूलों का इस्तेमाल बियर बनाने के काम में भी किया जाता है, जिसे सब्जी के रूप में भी खाया जाता है, जिसकी खेती ठंडे प्रदेशों में ही की जाती है, लेकिन बिहार में इसकी खेती की जा रही है ये खबर पूरी तरह फर्जी पाई गई है। अटल टनल जिसने मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ा, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग एक बार फिर से वायरल है। वायरल इसलिए क्योंकि यहां अनोखी होली खेली गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अटल टनल पर अनोखी होली मनाई गई। रंगों के साथ ऐसी आतिशबाजी की गई कि दुनिया देखती रह गई। क्या है इस वायरल वीडियो में और क्या ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के अटल टनल का ही है? आसमान में रंगों की आतिशबाजी, आवाज ऐसी मानो दिवाली मन रही हो। और दृश्य ऐसे जिसने माहौल रंगीन कर दिया। ऐसी होली जो आपने कभी नहीं देखी होगी। लाल, नीला, पीला, गुलाबी, हर रंग होली के त्योहार को रोशन कर रहा हो। ये खूबसूरत नजारा किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। अक्सर ऐसे नजारे आपने दिवाली पर आसमानी पटाखों के फटने पर देखे होंगे, लेकिन ये दिवाली का नजारा नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के मुताबिक ये तो होली पर होती रंगों की आतिशबाजी है। और वीडियो में दिख रही ये टनल हिमाचल की अटल टनल है, जहां पर होली का त्योहार कुछ यूं मनाया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वाह, क्या नजारा है! अटल टनल पर होली के रंगों ने समा बांध दिया, बेहद शानदार। सच में नजारा तो बेहद शानदार है। अलग अलग रंगों के धुएं से सराबोर होता आसमान वाकई देखने में मनमोहक है। सोशल मीडिया पर आए दिन अफवाहों का बाजार गर्म होता है, ऐसे में किसी भी वीडियो पर यूं ही यकीन कर लेना बेवकूफी होगी। इसलिए हमारे मन में इस वीडियो को देखकर सवाल उठे कि क्या वीडियो में दिखने वाली सुरंग अटल टनल ही है, और क्या ये होली इसलिए मनाई गई क्योंकि ये इसकी पहली होली है। हमने वायरल हो रही इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। वीडियो में दिख रही टनल को जब हमने अटल टनल से मिलाने की कोशिश की तो ये बिल्कुल अलग नजर आई। अटल टनल के मुख्य द्वार के पीछे खूबसूरत पहाड़ों का नजारा है, जो कि वायरल वीडियो में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ना ही वीडियो में दिख रही आकृति अटल टनल से मेल खा रही है। हमने पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए इंटरनेट पर इस वीडियो की पड़ताल जारी रखी। अटल टनल में इस बार ऐसी होली मनाई गई, हमें ऐसी खबर कहीं भी नहीं दिखी। इसके बाद हमने वायरल वीडियो के कुछ हिस्सों को लेकर इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया।
इंटरनेट पर हमें इसी से मिलते जुलते कई वीडियो मिले, जिन्हें एक ही नहीं कई अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड किया गया है। कई वीडियो तो वायरल वीडियो से भी बड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जहाँ जहाँ भी ये वीडियो हमें मिला उसमें अटल टनल का जिक्र ही नहीं है, बल्कि वीडियो तो आज से 3 साल पहले साल 2018 में इंटरनेट पर डाले गए हैं, जिनके बारे में लिखा गया है, किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर खोबर में रंगीन आतिशबाजी। किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर खोबर तो सऊदी अरब में है, यानी कि साफ है कि जिस वीडियो को अटल टनल बताकर वायरल किया जा रहा है वो दरअसल अटल टनल की है ही नहीं। पड़ताल में हमें रियाद के प्रिंस अब्दुल्ला बिन खालिद अल सऊद का 28 अक्टूबर 2018 का एक ट्वीट भी मिला, जिसमें इसी वीडियो को दिखाया गया है। किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर, जिसे इथ्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये सऊदी अरब के तेहरान शहर में है। इस सेंटर में संग्रहालय, पुस्तकालय, थिएटर और प्रदर्शनी हॉल है, जबकि अटल टनल की ये 9 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है, जिसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। साफ है वायरल वीडियो में होली नहीं खेली जा रही, और ये वीडियो अटल टनल का भी नहीं है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये वीडियो एकदम फर्जी साबित हुई है। किसी समस्या के समाधान के लिए अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो क्या होता है? पुलिस आपकी समस्या सुनती है, FIR लिखी जाती है और उसका समाधान निकाला जाता है, कार्रवाई की जाती है। गायत्री मंत्र का जाप करने को तो नहीं कहा जाता ना, गंगा जल को समस्या का हल तो नहीं बताया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ठीक ऐसा ही दावा किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण, गंगा जल और चंदन के टीके के साथ अपराधों से मुकाबला किए जाने का दावा किया जा रहा है, क्या ये खबर पक्की है? अगर आप इस नोट को साफ साफ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम बताते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हम तीनों लोगों के बीच एक सहमति बनी है, अब हम तीनों देव माता गायत्री देवी जी के शरण में जाएंगे। माँ गायत्री की एक माला का जाप नियमित रूप से करेंगे और सामान्य परिस्थितियों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्ण श्रद्धा और सनातन हिंदू धर्म के संस्कारों के अनुसार आज से और अभी से अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। अगर आप इसे कोई धार्मिक नोट समझ रहे हैं तो आप सोशल मीडिया के मुताबिक गलत हैं, क्योंकि इस वायरल नोट के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये कोई धार्मिक संदेश वाला नोट नहीं है, बल्कि दो लोगों में सुलह कराने वाला पुलिस का एक समझौता पत्र है। ऐसे में सवाल है कि क्या वायरल नोट सच में किसी पुलिस थाने में लिखा गया है, और अगर ये सच है तो ये नोट कहाँ और किस जगह लिखा गया है? जिसके बाद हमने वायरल तस्वीर की पड़ताल शुरू की। तस्वीर इतनी वायरल है कि हमें इसके बारे में पता करने में ज्यादा देर नहीं लगी। हमें पता लगा कि ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की घटना है। मेरठ के आदर्श थाने में शुमार नौचंदी थाने में एक शख्स रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा। आरोप है कि इनकी दूसरी पत्नी और सौतेला बेटा इनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें 3 दिन हरिद्वार के एक आश्रम में रहकर गायत्री मंत्र का जाप करने और गंगा जल सेवन करने की सलाह दे डाली और एक पर्ची लिख कर दे दी, जो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गई। मेरी जबरन शादी कराई गई थी सविता कौशिक से। मैं सोच के किया था कि चलो इस बुढ़ापे में जो है एक सहारा हो जाएगा, और मेरे साथ ये हो गया था। जब आप अपनी शिकायत लेके थाने पहुंचे तो क्या घटना हुई? थानेदार साहब ने बिठा लिया पहले, फिर बताया कि गायत्री का जाप करो, आज की दुनिया में बस यही है, इसी से शांति होगी, सब कुछ करो और इससे सब शांति हो जाएगी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा भाई साहब। सिर्फ ये आरोप ही नहीं, थाने के अंदर चलिए और देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये मेरठ के नौचंदी थाना अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा है, इन्हीं से सुनिए अपराध कैसे खत्म किया जा सकता है। इस भगवान नाम रूपी मेडिसिन से संसार के शक्ल में नष्ट हो जाते हैं। इनके पास तो कोरोना का भी इलाज मौजूद है, बस एक मंत्र जाप करना है। किंच पुनरेकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करते ही अंतर्वाही शुद्धि हो जाती है, मतलब ये पवित्र सैनिटाइजर मंत्र है। इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा पहले भी चर्चा में रहे हैं, जब उनके थाने में शिकायत करने वालों के माथे पर तिलक लगाया जाता था और उनके ऊपर गंगा जल छिड़का जाता था, और तो और उसे एक रिटर्न गिफ्ट के रूप में गंगा जल की एक बोतल दी जाती थी।
ठीक वैसी ही सलाह इंस्पेक्टर साहब ने पीड़ित को दी। पीड़ित ने थानेदार की इस अजीब सलाह का 2 दिन पालन किया। इस दौरान आरोप ये भी है कि पत्नी और बेटे ने उन्हें 3 बार पीट डाला। इनकी तथाकथित बीवी ने, जो मैं वो बीवी कहती है, और उसके लड़के ने कई बार मारा पीटा और इनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसकी शिकायत देकर जब हम थाने गए थे, ये तो थाने में इनकी रिपोर्ट ना लिखकर, मेडिकल टीम का हुआ था, इनकी रिपोर्ट ना लिखकर 2-3 बार कंटिन्यूसली पर काम होता है। जो वहाँ के थाना अध्यक्ष है, जो थाना प्रभारी है, थाना रोशन जी के, वो कहते हैं शंख बजाओ, ताली बजाओ, तिलक लगाओ, जल में जल से छिड़काव करो और माँ गायत्री का जाप करो। माँ गायत्री जाप के दिशा निर्देश देते हैं और इनको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है हरिद्वार में जाके गायत्री आश्रम में रहें। समस्या के समाधान के नाम पर गंगाजल छिड़कने और चंदन लगाकर पीड़ितों को गुमराह करने वाले नौचंदी इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा के लिए आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं भी शायद मजाक बन गई हैं। संगीन मामले में भी जब इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, तब पीड़ित ने आईजी से शिकायत की और इंसाफ की गुहार लगाई, जिसके बाद ही थाने में रिपोर्ट दर्ज की गयी। आईजी साहब ने इसमें तत्काल संज्ञान लिया है। आईजी साहब ने कप्तान साहब से बात करिए कि मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करें और उस थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करके भेज दिया एसएसपी को। अब हम एसएसपी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मेरठ पुलिस ने एफआईआर की कॉपी को ट्वीट किया है और बताया है कि फिलहाल पीड़ित की शिकायत की जाँच चल रही है। पुलिसिंग के इस अजीब और अनोखे मामले पर आला अधिकारियों ने किरकिरी से बचने के लिए मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि पीड़ित की शिकायत पर आईजी ने इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर पक्की पाई गई है। एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर 2 आने के पुराने सिक्के की तस्वीर वायरल हो रही है, जिस पर श्री राम का पूरा परिवार नजर आ रहा है। सिक्के के साथ ये दावा किया जा रहा है कि ये सिक्का भारत में ब्रिटिश राज में चलन में था, जिसे बाद में हटा दिया गया। आखिर इस सिक्के की सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया पर वायरल इस सिक्के को देखिए। सिक्के पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ नीचे बैठे हनुमान की तस्वीर देखी जा सकती है। इस सिक्के पर दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक प्रतीक कमल और ओम के चित्र हैं, जिसके साथ 2 आना लिखा हुआ साफ साफ देखा जा सकता है। सिक्के में नीचे की तरफ उसे ढाले जाने वाला साल, यानी साल 1818 लिखा हुआ साफ साफ देखा जा सकता है। इस सिक्के के साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि ये सिक्का भारत में ब्रिटिश राज होने के बावजूद चलन में था। ये एक संयोग ही है कि 1818 में जो 2 आने का सिक्का होता था, उसमें एक तरफ श्री राम जी का दरबार अंकित था और दूसरी ओर कमल का फूल बना हुआ था, जय श्री राम। सिक्के में ऊपर की तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी लिखा हुआ है, जो साफ साफ संकेत देता है कि ये सिक्का भारत में ब्रिटिश के समय का ही है। तो क्या भारत में राम दरबार वाला सिक्का चलन में था? क्या आजादी के बाद इस सिक्के को चलन से हटा लिया गया? और अगर ऐसे सिक्के नहीं चलाए गए, तो राम दरबार वाला ये सिक्का आया कहाँ से? इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्कों की ही चलती है। सिक्के इतिहास को एक दिशा देते हैं, घटनाओं के सबूत देते हैं, और यही सबूत बाद में इतिहास की किताबों में जुड़ जाते हैं। इसलिए हमने सिक्के की सच्चाई जानने के लिए पड़ताल शुरू की और 2 आने के राम दरबार वाले इस सिक्के के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। क्योंकि वायरल पोस्ट में दिख रहा सिक्का 18वीं सदी का बताया गया है, इसलिए हमने 18वीं और 19वीं सदी के सिक्कों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर खोजना शुरू किया। आरबीआई की वेबसाइट पर भारत में सिक्कों का पूरा इतिहास है, लेकिन यहाँ कहीं भी वायरल हो रहा सिक्का नहीं दिखा। पड़ताल के दौरान हमें 1903 में लिखा गया एक आर्टिकल मिला, जिसमें खास तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों का ही जिक्र है। इस आर्टिकल में 18वीं-19वीं सदी के ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों की कुछ तस्वीरें भी हैं, लेकिन इन सभी सिक्कों पर फारसी, बंगाली और हिंदी भाषा में लिखा गया है, जबकि इसके ठीक उलट वायरल तस्वीर में अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो आखिर इस सिक्के की सच्चाई क्या है? हमने बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा से बात की। देखिए, ब्रिटिश राज्य में जो सिक्के जारी होते थे, उन सभी सिक्कों पर वहाँ के राजा या रानी का चित्र होता था। तो
तो ये जो वायरल आपका चल रहा है ये एक मंदिर का टोकन इसको कहा जाता है। रिजर्व बैंक के म्यूजियम में भी इस प्रकार के कोई देवी देवताओं के क्वाइंस उस समय प्रचलित ऐसा नहीं था। दूसरा कारण है कि उस समय जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे भारत में भी, वो अपने अपने सिक्के भी जारी करते थे, वहाँ के स्टेट के चित्र के साथ करते थे, कुछ लोग धार्मिक उसके साथ करते थे, और उस समय ये सब बाकी जो सिक्के थे, ये जो सिक्के हैं ये लीगल टेंडर नहीं थे, यानी सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं था। अश्विनी राणा मंदिर के जिस टोकन के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें आप वैष्णो देवी मंदिर के टोकन से समझ सकते हैं, जिन्हें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रसाद के साथ देता है। लेकिन इन सिक्कों से आप कुछ खरीद नहीं सकते। लेकिन भारत सरकार ने भी तो देवी देवताओं के नाम पर सिक्के जारी किए हैं, खासकर वैष्णो देवी के चित्र वाले सिक्के, वो तो पूरी तौर पर चलन में है, उनका क्या? रिजर्व बैंक ने 2012 में जो श्राइन बोर्ड है वैष्णो देवी का, उसकी सिल्वर जुबली के ऊपर एक स्पेशल सीरीज सिक्कों की जारी की थी, यानी 25 साल वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हुए थे, तो उसमें वैष्णो देवी, क्योंकि श्राइन बोर्ड की सिल्वर जुबली थी तो माता वैष्णो देवी के चित्र के साथ उन सिक्कों को जारी किया था, वो लीगल टेंडर है और जो है वो सर्कुलेशन में भी है। हमारी पड़ताल में ये सामने आया कि श्री राम की तस्वीर वाला ये सिक्का कभी भी भारतीय मुद्रा का हिस्सा नहीं रहा, ये एक हिंदू मंदिर का टोकन या एक स्मृति चिन्ह है और मंदिर के टोकन से कोई सामान खरीदा बेचा नहीं जा सकता। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल मैसेज के साथ किया गया दावा गलत पाया गया है। अंडे खाते हैं ना आप, लेकिन कौन से वाले, जो मुर्गी देती है वो या फिर जो पेड़ पर उगते हैं वो? आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा सवाल है, अंडे तो मुर्गी ही देती है, भला अंडों के पेड़ कब से लगने लगे? लेकिन सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि अंडे के भी पेड़ होते हैं और अंडा मुर्गी के देने के अलावा पेड़ पर भी उगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या मुमकिन है? भला अंडे पेड़ पर कैसे उगेंगे? आखिर सच्चाई क्या है? इस पौधे को जरा ध्यान से देखिए, जैसे किसी पौधे पर उसका फल लगता है, ठीक वैसे ही इस पौधे में अंडा लगा हुआ है। यकीन नहीं होता तो अंडे को फिर से देखिए, इसमें से वैसा ही पीला लिक्विड निकल रहा है जैसे किसी अंडे से निकलता है। 22 सेकंड के इस वीडियो ने सभी को हैरत में डाल दिया है, ये अंडे भला पेड़ पर कैसे होने लगे? और क्या जो लोग नॉनवेज समझकर अंडा नहीं खाते हैं वो भी अब पेड़ पर लगे अंडों को खा सकेंगे? वाह, अब तक मुर्गी अंडा देती थी लेकिन अब तो पेड़ पर भी अंडे उगने लगे, क्या बात है, अब अंडों की खेती करेंगे। कुछ लोगों को यकीन है तो कुछ तो मान ही नहीं रहे। क्या बेकार की बात है, अंडा पेड़ पर कैसे लग सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बात तो सही है, इससे पहले तो अंडे का पेड़ न कभी देखा गया और न ही कभी सुना गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मुर्गी अंडे देती है, तो ये पेड़ वाले अंडे का क्या फंडा है? क्या सच में अंडे पेड़ पर उगाए जा सकते हैं? अगर ऐसा है तो अंडे को पेड़ पर उगाने की तकनीक क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडे को पेड़ पर चिपका दिया गया हो? सोशल मीडिया पर इस अंडे वाले पेड़ का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन जो वैज्ञानिक तौर पर मुमकिन ही नहीं उसका होना हजम नहीं होता, इसलिए हमने इसकी पड़ताल करनी शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें YouTube पर ऐसे कई वीडियो मिल गए जिसमें पौधे पर अंडा उगाना सिखाया जा रहा है। सभी वीडियोस में अंडे को उगाने के लिए उसे बीज की तरह जमीन में गाड़ा जा रहा है। किसी वीडियो में अंडा पौधे के ऊपर उगता दिख रहा है तो किसी वीडियो में नीचे की तरफ। इसकी पड़ताल के लिए हमने पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड रह चुके प्रोफेसर ML नायक से बात की। उन्होंने वायरल वीडियो देखते ही पौधों पर अंडा उगने वाली बात से इनकार कर दिया। पूर्ण रूप से असंभव है, कोई कहीं से भी दूर दूर तक उसकी संभावना नहीं है। अब बटे को क्या है, एक प्लांट खरीद देते हैं,
तो किसी को सोचा होगा कि एक प्लांट मतलब चलो एक ही इसमें पैदा कर दो, लेकिन ये किसी भी उससे संभव नहीं है कि भट्टे में इस प्रकार का अंडा उसमें फल के रूप में लगे। तो आखिर क्या माजरा है? हमने तीनों वीडियोस को ध्यान से देखा। क्या ऐसा संभव है कि अंडे को पौधे से चिपका दिया गया हो? क्योंकि जब हम कोई फल पेड़ से तोड़ते हैं, तो उस फल के साथ पेड़ को जोड़ने वाली छोटी डंडी भी होती है, ठीक ऐसी। लेकिन तीनों ही वीडियोस में अंडे के साथ ऐसी कोई छोटी डंडी नहीं नजर आई। दूसरी बात ये कि इस वीडियो को ध्यान से देखने पर अंडे को चिपकाने के लिए लगाया गया गोंद साफ देखा जा सकता है। प्रोफेसर एमएल नायक ने भी हमारी पड़ताल की पुष्टि करते हुए बताया कि सफेद बैंगन के पेड़ पर कैसे अंडे को चिपकाया गया है। बैंगन के फल को सावधानी से ऐसा धीरे से निकाल के उसमें अंडे को चिपका दिया गया है, और अब उसके बाद वो ऐसा लग रहा है मानो वो अंडा उसमें फल के रूप में लगा हुआ है। अंडा भी इतनी सफाई से चिपकाया गया है जिससे लोगों को पूरी तरह भ्रम हो सके कि पौधे पर अंडा ही उग रहा है। और तो और, वायरल वीडियो में जिस पौधे पर अंडा चिपकाया गया है वो भी बैंगन का पौधा है। दोनों वीडियो में पत्ते एक जैसे ही हैं। सफेद रंग के छोटे बैंगन देखने में अंडे जैसे ही लगते हैं, जो पौधों में गुच्छों में उगते हैं, इसलिए ही अंग्रेजी में इन्हें एग प्लांट भी कहा जाता है। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि पौधों के ऊपर अंडे उग ही नहीं सकते, ये एक जैविक प्रक्रिया है। वायरल हो रहा पौधा अंडे का नहीं बल्कि सफेद बैंगन का पौधा है जिस पर सिर्फ अंडे को चिपका दिया गया है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित हुई है।